وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ کی اور میری خوش قسمتی خوش بختی کہ ہم آج اس سالانہ عرس مبارک کی پاکیزہ اور روحانی ایمانی محافل میں شریک ہیں. 82واں سالانہ عرس مبارک ہے. آپ احباب یقیناً کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں, تھکاوٹ ہے, انسان تھک جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو تھکے ہوئے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں, جو بیٹھے ہیں ان میں کچھ ہمت ہے. تو جن میں کچھ ہمت ہے وہ ذرا آگے آگے تشریف لے جائے, یہ خالی جگہ پر کر. یہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں نا, آگے آگے آ جائے, یہ جگہ خالی بیچ میں سے. اللہ نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علی علی پور سیدہ شریف. جہاں بیٹھے ہیں جی بیٹھے, مجھے نہیں پتا تھا حکم ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں. ظاہر ہے جو حکم ہے آپ اس کی تعمیل کریں. جہاں کوئی بیٹھا ہے بیٹھا ہے. گرامی قدر حضرات, قرآن مجید قرآن رشید کی ایک بڑی معروف آیت مبارکہ اپنے عنوان کے اعتبار سے میں نے تلاوت کی ہے. میرا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. سیرت بہت بڑا عنوان ہے. ہم نے اس کی گہرائی کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہو اگر, تو یہ اپنے اندر اتنے جہان رکھتا ہے کہ انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے. قرآن مجید قرآن رشید اللہ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے لیے, اور آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کے تشریف لائے ہیں. آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا ہے. اب قیامت تک اور نبی نہیں آنا ہے. قیامت تک اللہ نے
इंसानियत से दोबारा कलाम नहीं फरमाना है। कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम तारीख इस्लाम को देखते हैं और तारीख इंसानियत को देखते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अंबिया को मुख्तलिफ अदवार में दुनिया में मबूस फरमाता रहा। नबी तशरीफ लाते, इंसानियत को पैगाम तौहीद देते, इंसानियत को इंसानियत की रास्तों पे राहों पे चलाते, उनको हलाल और हराम की तमीज देते, उनको अच्छे और बुरे की पहचान सिखाते। फिर जब वो दुनिया से तशरीफ ले जाते तो चंद सालों के अंदर अंदर उनकी उम्मत उनका पढ़ाया हुआ सबक को भुला देती। फिर अल्लाह करीम दूसरे नबी को भेजता जो उनको वो भूला हुआ सबक याद करवाता। ये कुरान बताता है कि हर दौर में ऐसे ही होता रहा, लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, जब बारी आई रसूलों के सरदार की, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पैगाम को, आपके अंदाज़े तकल्लुम को वो जामियत दी, वो असर दिया कि 14 सदियों के बाद भी आपकी तालीमात भी ताज़ा है, आपका पैगाम भी ताज़ा है। ये उम्मत भूलना भी चाहे तो उस पैगाम को भूल नहीं सकती। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंसान जब राह से हटने लगता है, भटकने लगता है, तो किसी रहनुमा की जरूरत पड़ती है, किसी रहबर की जरूरत पड़ती है, किसी पेशवा की जरूरत पड़ती है, जो इंसान को दोबारा से सीधे रास्ते की तरफ ले आता है। अब नबी तो आना कोई नहीं, नबूवत का दरवाजा तो बंद हो चुका है, लेकिन कयामत तक इंसान भूलता रहेगा, इंसान भटकता रहेगा, तो फिर वो निजाम कौन सा है जो इंसान को भूलने न दे, राह हिदायत की तरफ उसकी तवज्जो दिलाता रहे, उसको गुमराही की दलदल में धंसने न दे। तो अल्लाह ने इस उम्मत को वो निजाम जो अता किया, जो काम तो नबियों वाला करता है, जो काम तो नबियों वाला करता है, लेकिन नबी नहीं होता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमा वरासतुल अंबिया, फरमाया मेरी उम्मत के उलमा सुलाहा औलिया, फरमाया ये गैर नबी होंगे, लेकिन काम ये बनी इसराइल के अंबिया की मिसल करेंगे। गोया जब तक अल्लाह के वली उम्मत में मौजूद है, जब तक उम्मत में उलमाए हक मौजूद है, नबी की इश्क और मोहब्बत की बातें भी गूंजती रहेंगी, रब की तौहीद का परचम भी लहराता रहेगा। नारे तकबीर जियो, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रसिया, आस्ताना लिया अली पर शरीफ, आस्ताना लिया अली पर शरीफ, खैजाने हजूर शहनशाह लासानी, खैजाने हजूर शहनशाह लासानी। ग्रामीण हजरा, सीरतुल नबी का अगर आज भी आप असर देखना चाहते हैं, नबी की जिंदगी मुबारक का आज अगर आप मजहर देखना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी कैसे गुजारी है, आपके शबो रोज कैसे गुजरते थे, आप रब की इबादत किस शान से करते थे, आप उम्मत के साथ मोहब्बत किस अंदाज से फरमाते थे, तो फरमाया जो सबसे बेहतरीन मजहर है जो तुम देखना चाहो, फरमाया वो इस उम्मत के सुलाहा है, इस उम्मत के औलिया है। रब ने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से वाफर हिस्से अता किए हैं। इसीलिए जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा करीम नवाज दाता लाहौरी के आस्थाने पे हाजिर होते हैं, तो फिर वो दुनिया को ये बताते हैं, लोगों ये कोई ढेरी नहीं है, ये कोई आम कबर नहीं है, फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किस नारा पीर कामिल कामिला ला रहनुमा, फरमाया
ये अल्लाह के हबीब के नूर का मजहब बन के आया है। तो सीरतुल नबी का सादा सवाला जो आपको याद रह जाए, कुरान जैसा मुसलमान चाहता है, हलाल हराम सारा कुछ कुरान ने बताया, रब की रजा किस में, रब की नाराजगी किस में, कुरान पढ़ के समझ ना आए कि ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, तो फिर अपनी आयशा से किसी ने अर्ज किया, ऐ मोमिनों की माँ जरा फरमाइए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक कैसा था, आपका अखलाक मुबारक कैसा था। अम्मी आयशा हैरान हुई, फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। उसने अर्ज की अम्मा कुरान तो पढ़ा है लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना कैसा है, आप उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। आप ये फरमा रही है कि कुरान तुमने नहीं पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा है। फरमाया फिर सुन ले, कुरान अगर तूने पढ़ा है तो जो कुरान किताबी शक्ल में तूने पढ़ा है उसको अगर चलते फिरते देखना है तो मुस्तफा को देख ले। अगर चलते फिरते कुरान को बोलते कुरान को देखना है, फरमाया प्यारे मुस्तफा को देख ले। उनका उठना भी कुरान के मुताबिक, उनका बैठना भी कुरान के मुताबिक, उनका बोलना भी कुरान के मुताबिक। क्या बोलना है मेरे मुस्तफा का, क्या बोलना है तेरे मेरे आका का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने के बारे में रब का कुरान बोलता है। फरमाया बमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा। फरमाया मेरा हबीब नहीं बोलता, मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, अपनी चाहत अपनी मर्जी से नहीं बोलता। या अल्लाह फिर क्या है, फरमाया जब जब भी मेरा मुस्तफा बोलता है जुबान इसकी होती है, बात खुदा की होती है। तकबीर मिलके जरा नारा रिसालत, जितने आए हैं मिलके बाआवाज़े बुलंद, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, नारे का जवाब दे डट के दे, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनने के हिस्से में आया है, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताज कारे खत्मे नबूवत, दो मर्तबा बोले ताज कारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज कारे खत्मे नबूवत, आस्ताना या अली पर शरीफ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का ये पहलू और दीगर जेहते भी जब हम देखते हैं तो हमें ये बात बड़ी आसानी से समझ आती है कि रब ने इस बशरी पैकर में तमाम कमालात को अपने पूरे जोबन पे जमा फरमा दिया है। कोई खूबी ऐसी नहीं जो इस पैकर नूरानी को रब ने अता नहीं फरमाई, बल्कि यूं कहिए जिस काम से मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जुदा कर लिया वो काम खूबी नहीं रहा, और जिस काम को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार कर लिया रब ने उसको खूबी बना दिया है। अब जितनी खूबियां हैं वो ज़ाते मुस्तफा में रब ने जमा कर दी है, और मेरे मुस्तफा का बैकर कैसा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ने एक मिसाल के जरिए एक मसला समझाते हैं, वो मिसाल और मसला मैं आपके सामने रखता हूँ। उनसे सवाल हुआ कि अगर तोते को बोलना सिखाना हो तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए। फरमाया अगर तुम तोते के सामने बैठ के उसको बोल कर सिखाना
चाहो तो तुम सिखा नहीं पाओगे, इसलिए कि तुम्हारी जिंस और है, उसकी जिंस और है। वो तुमसे मानूस नहीं होगा, वो तुम्हारी बोली समझेगा नहीं, वो तुम्हारी बोली बोलने की कोशिश नहीं करेगा। मौलाना रूम से पूछा गया, फिर क्या किया जाए? फरमाया, उस तोते के सामने एक शीशा रख दो, एक आईना रख दो। होगा क्या, उस तोते को शीशे में अपनी शक्ल नजर आएगी। जब तोते को अपनी शक्ल नजर आएगी तो ये समझेगा कि मेरे सामने दूसरा तोता, मेरा हम जिंस मौजूद है। हालांकि सामने तोता नहीं है, सामने तोता नहीं है, वो शीशे में अपने आप को देख रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं, फिर उस शीशे के पीछे से तोते का मालिक बोले, तोते का मालिक बोले, इंसान बोले, वो सामने वाला तोता समझेगा कि ये तोता बोल रहा है। हालांकि सामने तोता कोई नहीं, वो शीशे में अपने आप को देख रहा है, और उस शीशे के पीछे से इंसान जो तोते का मालिक है वो बोल रहा है। तो मौलाना रूम ने समझाया, फरमाते हैं, मुसलमानों समझो, रब ने हमारे नबी को मिसले आईना बना के भेजा है, मिसले शीशा बना के भेजा है। मेरे मुस्तफा करीम को जो देखता है वो उनको नहीं देखता, उनमें अपने आप को देखता है। अबू जहल आता है, बकवास करता है, माज़ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदकलामी फरमा करता है। आप फरमाते हैं, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। वो निकलता है, जनाबे सिद्दीक अकबर तशरीफ ले आते हैं। सिद्दीक अकबर नक्शबंदियों का बादशाह आ जाता है, नक्शबंदियों का आका आ जाता है। सिद्दीक अकबर आकर जुमला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर तू ठीक कहता है। सहाबा किराम हैरान हुए, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने बकवास की, आपने फरमाया तू ठीक कहता है। सिद्दीक अकबर ने तारीफ की, आपने फरमाया ठीक कहता है। ये दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, रब ने मुझे आईना बनाया है। अबू जहल आया, उसने मुझे नहीं, मुझ में अपने आप को देखा, जैसा खुद था वैसा मुझे कह के चला गया। अबू बकर आया, मुझे नहीं देखा, मुझ में खुद को देखा है, खुद बड़ा प्यारा था, मुझे भी प्यारा कह दिया है। अब सवाल ये है कि उधर शीशे के पीछे तोते का मालिक बोल रहा था, इधर आईने मुस्तफा के पीछे कौन बोल रहा है? तो कुरान ने बता दिया, इद हुआ इल्ला वहयू यूहा, आईने मुस्तफा के पीछे खुदा बोल रहा है। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर जियो, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आस्ताना लिया अलीपुर शरीफ, आस्ताना लिया अलीपुर शरीफ, आस्ताना लिया अलीपुर शरीफ, जीवे जीवे। आईनाए मुस्तफा, रब अपने बंदों से बात करना चाहता है, लेकिन रब को देखे कौन? हम तो हैं गुनाहगार, हम तो हैं आसी, हम तो हैं बहुत जुल्म करने वाले अपनी जानों पे। रब चाहता है मैं अपने बंदों से बात करूं। रब ने मुस्तफा का आईना रखा, जुबान मुस्तफा से रब ने कलाम फरमाया, कुरान की सूरत में वो कलाम इस उम्मत को अदा कर दिया। जनाबे सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह से बात करूं मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूं फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, और जब मेरा दिल करता है रब मुझसे बात करे मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। जब मेरा दिल करे मैं उससे बात करूं फरमाते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ लेता हूँ,
नमाज में मैं रब से बात करता हूँ, रब पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता है। और जब दिल करे कि रब मुझसे बात करे, फरमाया मैं कुरान खोलता हूँ तो रब मुझसे बात करता है। आज भी अगर कोई ये शौक पैदा कर ले, आज भी सीरत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू को कोई समझना चाहे तो रात को उठ के कुरान पढ़ना शुरू कर दे। चंद दिनों के बाद तेरी मोहब्बत और तड़प तुझे खुद बताएगी कि जिस सन का तू कलाम पढ़ रहा है गोया वो रब तुझसे बात कर रहा है। ये सिलसिला रुका नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे सिद्दीक अकबर, जनाबे उमर फारूक, जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन, जनाबे मौला हैदर कर्रार और दीगर सहाबे किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की तरबियत फरमाई और उनको अपनी सीरत मुबारका की वो रोशनी अता की कि एक एक सहाबी और एक एक फर्द अहले बैत का वो इस कदर बड़ा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में से या मेरी आल में से किसी एक फर्द के पीछे चल पड़ो, रब तुम्हें जन्नत का रास्ता अता फरमा देगा। एक एक फर्द इतना बड़ा होगा कि जिसके पीछे चलोगे गुमराह नहीं। इसीलिए हम कहते हैं अकीदा है हक अहले सुन्नत पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं, कभी भी शक में नहीं पड़ना। ये अकीदा इतना सुथरा अकीदा है, इसकी तहारत, इसकी पाकीज़गी, इसकी अजमत का अंदाजा लगाना हो तो सिर्फ इस एक बात से लगा लेना, जितने फिरके हैं किसी फिरके के पास न दाता अली हजवेरी जैसा कोई बाबा है, ना गौसे आजम जैसा कोई बाबा है, ना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जैसा कोई नजर आता है, ना सुल्तानुल हिंद जैसा कोई नजर आता है, ना हजरत शहंशाह लासानी जैसा कोई नजर आता है, न पीर मेहरे अली शाह जैसा कोई नजर आता है। ये सारे रब ने अहले सुन्नत को अता किए हैं, इसलिए कि अहले सुन्नत का अकीदा अकीदा हक है और ये वो अकीदा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और अपनी आल को अता किया है और सीना बसीना उस दौर से चलता हुआ आज ये हमारे सीनों तक पहुंचा। लेकिन कुरान से पूछिए, कुरान कहता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमा मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जात उसका किरदार तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मजहबी लोगों के लिए उस्वा हसना है, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो नमाजें पढ़ने वाले हैं, जो निस्बत वाले हैं, क्या सिर्फ उनके लिए उस्वा हसना है, बाकी उम्मत इस फैज से महरूम है? तो कुरान ने कहा ना ना, इतना महदूद न करना, जिंदगी का कोई शोबा हो, जिंदगी के किसी शोबे से तुम ताल्लुक रखते हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हारे लिए जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देती है। अजीजाने गिरामी कदर, यहाँ मेरे दोस्त जो देहात से ताल्लुक रखने वाले बैठे हैं, काश्तकारी करते हैं, ये बीज बोते हैं, फिर जनाब उसकी आबजारी करते हैं, उसे पानी देते हैं, फसल तैयार होती है, जब वो पक जाती है फिर फसल को काटा जाता है, फिर उसको बेच के अपने जिंदगी के निजाम को चलाया जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि जनाब ये तो कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका सबके लिए बेहतरीन उस्वा है, रोशनी का मीनार है, तो जिमीदार के लिए, काश्तकार के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में क्या पहलू है, आपकी जिंदगी मुबारका में काश्तकार और जिमीदार के लिए क्या है? तो आ मैं तुझे बताता हूँ कि जिमीदार के लिए मेरे महबूब की सीरत में क्या रखा है। हजरत सुलेमान फारसी, पूरी तारीख मैं आपको नहीं बता सकता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि सुलेमान फारसी के दिल में रब ने ये बात डाली कि दीन हक को तलाश कर। हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह तआला चलते हैं और सफर पे सफर करते हैं,
दीन हक की तलाश में चलते हैं। आप कई राहिबों पादरियों के पास से होते हुए जब आखिरी पादरी की खिदमत में थे, उसके मौत का वक्त करीब आया तो आपने उससे पूछा, बता तेरे मरने के बाद मैं किसके पास जाऊं। उसने कहा, अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदीना मुनव्वरा की वादी की तरफ चला जा, तेरी मुराद तुझे मिल जाएगी। सुलेमान फारसी तलाश करते करते मदीनतुर रसूल के करीब आ गए, आपको जनाबे वाला गुलाम बना लिया गया, जकड़ लिया गया। सुलेमान फारसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, उस ईसाई आलिम ने निशानी बताई थी, उसने कहा कि वो जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा वो तोहफा तो ले लेगा, सदका कबूल नहीं करेगा, सदका नहीं खाएगा, तोहफा और हदिया खा लेगा। सुलेमान फारसी को आपकी ज़ियारत का शर्फ हुआ, वो एक गोशा खजूरों का और जनाब अंगूरों का लेके आए, अर्ज की या रसूलल्लाह ये ले लीजिए। फरमाया ये क्या है? अर्ज की ये सदका है। आपने सब में बांट दिया, खुद नहीं खाया। दूसरे दिन फिर लेके आए, फरमाया ये क्या है? अर्ज की ये हदिया है, आपने खुद भी खाया, दोस्तों को सहाबा को भी बांट दिया। उन्होंने दिल में कहा, पहली निशानी पूरी हो गई, अब दूसरी निशानी ये थी कि आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। सुलेमान फारसी अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त के पीछे पीछे हो रहे हैं, बहाने तलाश कर रहे हैं कि मुझे वो मोहर नबूवत नजर आ जाए। निगाहे नबूवत ने देख लिया कि ये दीवाना क्या तलाश करना चाहता है। मेरे करीम ने अपनी चादर मुबारक को जरा हटा दिया ताकि मोहर नबूवत नजर आ जाए। सुलेमान को मोहर नबूवत नजर आती है, कदमों में सर रख के कहता है, ऐ कमली वाले कलमा पढ़ा ले, मैं कई सालों से तेरी जुस्तजू में था, तेरा इंतजार में था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। फिर कोई पूछता है, सुलेमान बता तेरा बाप कौन है, तेरा खानदान क्या है, तो सुलेमान कहता है, मेरे बाप का नाम इस्लाम है, मेरा खानदान भी इस्लाम है, मेरी पहचान भी इस्लाम है, और मेरी शनाख्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खुदा की अजमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा की अजमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मुकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सुनो हाथ उठाओ, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्था अली पर सजदा शरीफ। ग्रामीण जन हजरत, हैदर सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपने फरमाया, जा अपने मालिक से बात कर, तुझे आजाद कर और पूछ बदले में मांगता क्या। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला गए, जाके पूछा मालिक से, जगह मैंने आजाद कर की चाहिए। उन्हें क्या एना सोना 300 खजूर के दरख्त नवे ला, जो फल दे देंगे इन आजाद कर दे। अच्छा, वो जेन चे इसी के दरख्त लगेगा, फिर कई साल लगेंगे, बड़ा होएगा, फिर फल देगा, उन्हीं देर को जिंदगी पूरी हो जाएगी सलमान। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता सलमान आप नहीं आए, उन्होंने ये नहीं पता सलमान है आप नहीं आया, किसी ने भेजिए कह के भेजिए, जो मंगे उन्होंने ठीक है, सोचना नहीं। उसने कहा 300 दरख्त खजूर के बड़े हो जाए और इतना सोना लूंगा फिर आजाद करूंगा। और कुछ परेशान भी हो गए, हैरान भी हो गए, आज बनी की। लेकिन उन्हें कहा नहीं, बस आए वापस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा की बने, अर्ज की, तू 300 खजूर के दरख्त मंगदा नवे लाने ने, फल देंगे तो आजाद कर दे, नाल सोना मंगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा
सियावे कराम का मजमा थी, आपने फरमाया मेरे सियाबा अपने भरा सुलेमान की मदद कर। किसी ने 10 पौधे, किसी ने 20 पौधे, किसी ने 2 पौधे, किसी ने इन कर करा के 300 खजूर का पौधा कट्ठा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हम जाके ना इन्हें जमीन च, अल्लाह साहब मिजार में देखो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लोग पूछते हैं की लैन जाते हैं, तो तुम भी समझ आवे ना। तवज्जो जरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़े खोदो पौधे कोल रखो, लेकिन लवांगा मैं आपे आप। जिमीदारा वास्ते की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया जाओ जगह सही करो, मैं खुद आके पौधे लगाऊंगा। जगह सही करके अर्ज किया कि आका तशरीफ लाइए। आप तशरीफ लाए, आपने अपने हाथों से पौधे लगाए। खजूर भी हो गई, लेकिन एक जेड़ा सी ना जेड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सी लाया वह निका ही रह गया। तो जो चाहूंगा 299 जी तहाई अदब से गुजारिश है कि उर्से मुबारक की इस नशिस्त को और उर्से मुबारक की अदबो अदाब को मनहूज़ खातिर रखते हुए आप अहबाब से इल्तमास है कि अलामा बी मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब साहिब लाहौर दाता पिया की नगरी से तशरीफ फरमा है, आप खताब फरमा रहे हैं। आपकी तवज्जो किबला हजरत साहिब की तरफ हो, क्योंकि दो फैजान बांटे जा रहे हैं। एक साहिब मजार फैज बांट रहा है और एक उलामाए हक अहले सुन्नत फ्यूज़ो बरकात और इलम की रोशनी से हम सबको फैज दे रहे हैं। आप अहबाब से इल्तमास है कि अपनी तवज्जो सिर्फ अलामा साहिब की तरफ रखें। नारे तकबीर, हाथ उठा के जरा नारे तकबीर, नारा रिसालत। किसी ने दाएं बाएं नहीं देखना, देखना है तो अलामा साहिब की तरफ देखना है। गिरामी के हजरात 299 पौधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हाथ से लगाए, साल गुजरा, दरख्त बन गए, खजूरें आ गई। एक दरख्त जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाया था वो अभी छोटा रह गया, बड़ा तो वो भी दूसरों से ज्यादा हो गया, लेकिन छोटा रह गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, आका 299 दरख्त तो खड़े हो गए, एक रह गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया ये किसने लगाया था? अर्ज की गई ये जनाबे उमर पाक ने या किसी और सहाबी ने लगा दिया? फरमाया कोई बात नहीं, पौधा नया लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तशरीफ फरमाते, पौधा लाया गया, पौधा वहां पे लगा दिया गया। लेकिन अब तवज्जो से मैं एक और चीज पहले समझा के फिर आपको इधर ही लेके आऊंगा। यहाँ ये बात जेहन में रखनी है आपने, इस बात से दोबारा बात शुरू करूंगा मैं। लेकिन अभी शहरों के अंदर एक नया, दुनिया के अंदर एक नया रिवाज पड़ रहा है, वो ये है चार दीवारी के अंदर, छत के अंदर जराबे वाला वो लाइटें लगा के मसनूई फसलें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। जो सब्जी पहले 3 महीने में तैयार होनी होती है वो उस मसनूई लाइट की रोशनी में जराबे वाला 4 दिन में, हफ्ते में तैयार हो जाती है। वो जापानी टेक्नोलॉजी आई है, वो बंद कमरों के अंदर अगर मखसूस मिकदार में मखसूस रोशनी दी जाए तो सब्जी भी जल्दी उग जाती है, अनाज भी जल्दी उग जाता है।
ہے دنیا اب یہاں پہنچی ہے کہ اگر ایک مخصوص تناسب سے روشنی ملے تو پودا جلدی بڑا بھی ہو جاتا ہے پھل بھی دے دیتا ہے دنیا آج پہنچی ہے اور لوگ مانتے ہیں کسی کو ماننے میں کوئی جناب والا پریشانی نہیں ہوتی کیا مولوی کیا غیر مولوی کیا اہل سنت کیا کسی اور مسلک کا سارے مانتے ہیں واجی واہ انگریز کی بڑی ٹیکنالوجی ہے لائٹ پڑتی ہے تو جناب چند دنوں میں پھل پک جاتا ہے سبزی پک جاتی ہے میں نے کہا انگریز کی طاقتیں ماننے والے آنا ذرا تجھے اپنے نبی کی سیرت کا یہ باب بھی دکھاؤں انگریز کے گیت گانے والے آ تجھے بتاؤں رب نے اپنے محبوب کو کیا طاقتیں عطا کی ہے اب توجہ میری طرف رکھنی ہے میرے اشارے کو سمجھنا ہے اور جب سمجھ آئے تو پھر چپ نہیں رہنا کنجوسی نہیں کرنی حضرت سے فیض لے کے جب میں دادا کے قدموں سے گزر کے واپسی میں گھر جاؤں تو میں یہ عرض کر کے جاؤں کہ حضرت کی آستانے پہ استاد جمع تھے اور نبی کا ذکر سن رہے تھے اور جھوم رہے تھے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ انگریز ٹیکنالوجی لاتا ہے چند دنوں میں جناب فصل تیار ہو جاتی ہے ادھر مدینے کا تاجدار آتا ہے اپنے ہاتھوں سے کھجور کا پودا لگا کے آپ وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے کھڑے ہونے کی برکت سے آپ کے نور کی برکت سے وہ پودا بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے درخت بن جاتا ہے پھل لگ جاتا ہے ملا کو یہ سمجھ نہ آیا آج انگریز نے سمجھایا یہ مصنوعی روشنی پڑے تو پھل تیار ہو جاتا ہے مصطفیٰ کا نور پڑے تو کھجور کا درخت بھی منٹوں میں اگ جاتا ہے یہ میرے کریم کا وہ نور ہے نہیں جنہوں سمجھ آنا ہم لوگوں مریم شریف پڑھی ہے پڑھی گی میں کہ فارس اللہ روح اللہ بتمک اللہ بشر یہ ترجمہ کر کہنا کہ رب نے بھیجیا جبریل امین حضرت بی بی مریم کہاں پہ فتمثل لہا بشرا سویا پورے انسانی لباس پوری انسانی شکل رب نے جبریل امین نو بی بی مریم پاک کو بھیجیا میں کہ ہن دس تیرا تے اصول اے وے جڑا نور ہوئے وہ بشر نہیں جڑا بشر ہوئے وہ نور نہیں تے جبریل دے بل یقین نور ہے نور ہو کے لباس بشریت وچ آ گیا رب دا قرآن ہے ہن دس کی کہے گا انکار کرے تا مردے اقرار کرے تا مردے کیڑے پاسے جائے گا کہن لگا جبریل دی طاقت دے اگر میں جو جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑا ہو اور آپ کی خدمت میں یہ التجا کرے کہ آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو رب سے منظوری لے دو ان کے پاؤں کے نیچے پر جبریل کے پیچھے ہوئے ہو اس جبریل کی طاقت تو نے مانی ہے سنیوں نے جبریل کے آقا محمد رسول اللہ کی طاقت کو مان لیا ایک دیوانی عورت آ گئی
तवज्जो ना जरा निस्बत वाले बैठे दीवानी औरत आ गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर आका करीम अलैहि सलाम तो कुछ नहीं की बारगाह हाजिर हुई गर्मियों के दिन धूप निकली जनाब है हूं उत्ते कनातां लगियां ने पक्के लगे इस बाजू थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके अरब की गर्मी उत्ते खलो गई कोई साया नहीं कुछ भी नहीं बदल तो साया करते ही करते रहे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी च लै के खलो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एवं कभी अत्तर की गल कभी अत्तर की गल ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਵਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਪਸੀਨਾ ਬਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਕੋਈ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ कभी इधर की बात कभी उधर की बात सहाबे किराम के माथों पे बल पड़ना शुरू हो गए चेहरे पे गुस्से और नागवारी के तासुरात आने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी अपने गुलामों पे अपने मुरीदों पे तो आपने आंख से इशारा फरमाया कि ना ऐसी कोई बात ना करना ये अपने माथे पे बल न डालना चेहरे पे नागवारी के असरात न लाना वो औरत जब तक खड़ी रही आपके और मेरे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनते रहे जब वो अपनी मर्जी से बात मुकम्मल करके लौट गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों में तशरीफ लाए फरमाया तुम्हें क्या हो रहा था अर्ज की आका ये तो दीवानी है ये तो पागल है ये तो मजनू है इसकी कोई नहीं सुनता इस वजह से ये पागल है तो ये आपके पास आई आपको लेके धूप में खड़ी हो गई आप उसकी सुनते रहे पूरे जिस्म नाज़मीन से पसीना बह रहा है तो सुनो मेरे नबी की सीरत का ये पहलू भी सुनो मेरे नबी की सीरत का ये बाप भी आस्ताना आलिया शायद लासादी में बैठने वालों एक सैयद अल्लाह के वली के कदमों में बैठने वालों जरा दिल की तवज्जो से सुनना मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों जिसकी कोई नहीं सुनता जिसकी कोई नहीं सुनता उसी की सुनने के लिए तो मैं मुहम्मद आया हूं जिसकी कोई नहीं सुनता मैं उसी की तो सुनने आया हूं मैं ना सुनूं तो कौन सुने मैं ना सुनूं तो कौन सुनेगा ये भी पहलू है मेरे करीम की जिंदगी मुबारक का और ये फिर आगे हमें जब नजर आता है जनाब सिद्दीक पाक सिलसिला नक्शबंद के अजीम इस पेशवा और इमाम ने जनाब फारूक के आजम फरमाते हैं रोज सुबह फजर पढ़ के सिद्दीक पाक के जल्दी जल्दी चले जाओ मैं सोचा कि केड़ा एडा जरूरी काम है जेड़ा वदी फिर शेर में छड़ के नस जाए कहते हैं मेरे काम मैं देखूंगा एक दिन कहते हैं मैं पीछे पीछे गया मैंने देखा एक आबादी से हट के एक छोटा सा घर है जनाब सिद्दीक पाक उस घर में जाते हैं लेकिन उस घर में जाने से पहले एक अजीब काम करते हैं जूते उतार के बगल में दबा लेते हैं नंगे कौन उस घर में जाते हैं कुछ देर के बाद घर से निकलते हैं जनाब उमर पाक बड़े हैरान हैं अंदर जाके देखते हैं तो एक खातून है बूढ़ी नबीना उमर पाक को समझ आई कि अच्छा अबू बकर ये नेकी करने के लिए सुबह सुबह आता है और उलमा ने लिखा कि चूंकि नबीना थी बूढ़ी थी तो घर में ही वो पकाना वगैरह भी करती थी जनाब सिद्दीक पाक अपने हाथों से वो भी बाहर दे रहे घर की सफाई भी करते खाना भी बनाते अम्मा जी को खाना भी खिलाते पानी भी भर के रखते ये सारे काम कौन कर रहा है अफजलुल बशर बाद अल अंबिया अफजलुल बशर बाद अल अंबिया खलीफा बिला फस्त वो इमाम के जो मौला अली का भी इमाम है
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੁਕਤਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੀਛੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਨਕੇ ਪੀਛੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਸਕੋ ਸਿੱਦੀਕ ਪਾਕ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਉਮਰ ਪਾਕ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਉਸਮਾਨ ਜ਼ੁਨੂਰੈਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ, एक बूढ़ी औरत, वो भी नबीना, कोई उससे लालच नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नुमाइश नहीं, कोई दिखावा नहीं, खामोशी से जाते हैं, काम करके आ जाते हैं। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम का विसाल हुआ, दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया, जनाब उमर पाक पहुंच के ड्यूटी करनी, सारी ड्यूटी करके पहली गुड़ती जब अम्मा जी के मुंह में डाली, अम्मा जी की चीख निकली, चीख निकल गई, थाड़े मार के रोई, कह लगी वो आने वाले बता अबू बकर किधर है। जनाब उमर पाक ने पूछा, अम्मा तुझे नजर आता है? कहा नहीं पुत्र, नजर तो नहीं आता। उनका जब नजर नहीं आता तो फिर पता कैसे चला कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और है? फरमाया इसलिए पुत्रा कि अबू बकर को पता था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो निवाला अपने मुंह में डालता था, चबा के नरम करके मेरे मुंह में डालता था, आज तूने बगैर चबाए जब निवाला मुंह में डाला तो मुझे पता चल गया आने वाला सिद्दीक पाक नहीं है। ये वो सीरत नबवी का तसलसल हमें नजर आ रहा है। और फिर आगे चलिए, सीरत नबवी का ये पहलू हजरत बिशर हाफी तक आया, शराब पीते थे, मस्त रहते थे, एक दिन जा रहे थे, नाली में देखा अल्लाह का नाम मुबारक पड़ा हुआ है, उठाया, साफ किया, खुशबू लगाई, चाचा जी एक उदाहरण जी मेरा थोड़े वालों बुजुर्गों मेरे टिकाणा रख, बाबा जी हजरत को मेरी अर्ज करना नजर हो जाए, मेरे तुसी अर्ज कर, सिफारिश करनी है मेरी, यकीन करें हम जब ऐसे बुजुर्गों के कदमों में आते हैं सबक सुना गया, ये जब आस्ताने के बाहर होते हैं ना तो वो उतार देते हैं उधर सारा अपना वो इल्म और सारा वो उधर रह जाता है, इधर तो हम सबक सुनाने आते हैं, शुक्र करते हैं करम फरमाया है, थोड़ा सा इजाजत दे दी है कि इधर मेरे स्टेज पे घूमे, ये बहुत बड़ी सादत की बात है और ये नसीब से मिलती है, ये वैसे नहीं मिलती। हजरत बिशर रजी अल्लाह तआला शराब पीते, अल्लाह ने चाहा कि बिशर को बदलूं, अल्लाह का नाम नजर आ गया, उठाया, चूमा, खुशबू लगाई, ऊंची जगह पे रखा, फिर अपने काम पे लग गया। अल्लाह के वली को ख्वाब में हुक्म हुआ, जा मेरे दोस्त बिशर को मेरा सलाम। अल्लाह का वली चला ढूंढते ढूंढते घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, घर वालों ने बताया कि बिशर को फुला शराब खाने को मिलेगा, पर इस वक्त जाने का फायदा कोई नहीं क्योंकि बिशर अपने आप में नहीं, मैं पीता है, जाम पीता है, सुबह मिलना, लेकिन उस अल्लाह के वली को ऑर्डर था, वो शराब खाने के बाहर गया, रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है, शराब खाना बंद हो चुका है, शराबी जा चुके हैं, दरवाजा खटखटाया, बड़ी देर के बाद मालिक ने दरवाजा खोला, देखा कि अल्लाह का एक नेक बंदा दरवाजे पे खड़ा है, परेशान होकर कहने लगा, बाबा जी तुसी इधर किधर, यहाँ आपका क्या काम? फरमाया मेरा यहाँ वाकई कोई काम नहीं, लेकिन बिशप नाम का बंदा है, उसने कहा जी नशे में धुत पड़ा है, कहने लगे उसको बुला, उसके लिए पैगाम है। मालिक ने कहा अभी वो किसी पोजीशन में नहीं, सुबह बात करें। फरमाया नहीं, पैगाम बहुत जरूरी है और अभी देना है,
मालिक ने जाके बिशर हाफी को हिलाया, जोड़ा उठाया, बिशर हाफी गिरते पड़ते दीवारों को दरवाजे में आए, दरवाजे में आके कहने लगे हाँ जी बाबा जी क्या पैगाम है? कहा रब का पैगाम है। बिशर का नशा उतरा, आंखें खुली और आंखों में फौरन आंसू आए, अर्ज करने लगे मेरे लिए मेरे रब का पैगाम, मेरे लिए मेरे रब का पैगाम। फरमाया हाँ तेरे लिए पैगाम है, रब तुझे सलाम कहता है। बिशर हाफी ने उसी वक्त हर बुराई से तौबा करके रब की इबादत की तरफ रुजू कर लिया। और चूंकि हजरत बिशर हाफी उस वक्त जब ये पैगाम मोहब्बत मिला था नंगे पांव थे, जूती नहीं पहन रखी थी, आपने ये अहद किया मरते वक्त तक बिशर जूता नहीं पहनेगा। जिस हालत में सोने रब का सलाम आया है उस हालत को कायम रखेगा। जब रब से यारी लग जाए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से और आपकी सीरत से रोशनी लेते हुए रब से बंदा जुड़ जाए तो फिर सुनो रब भी अपने बंदों को छोड़ा नहीं करता। इधर बिशर ने ये नियत की कि मैं सारी जिंदगी जूता नहीं पहनूंगा, उधर रब ने चरिंद परिंद को हुक्म दे दिया कि जिन राहों से मेरे बिशर ने गुजरा करना है उन राहों पे तुम्हें नींद करने की, तुम्हें गंद डालने की इजाजत नहीं है, ताकि मेरे वली के पांव को निजासत न लगे। एक दिन जिस रास्ते से जनाबे बिशर हाफी मस्जिद आया करते थे वहां घोड़े की नींद पड़ी हुई थी, देखकर एक अल्लाह वाले की चीख निकली। लोगों ने पूछा क्यों चीखता है? उसने कहा बिशर हम में नहीं रहा। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला? कहा अगर बिशर हम में मौजूद होता यहाँ ये लीद न होती। ये लीद बता रही है कि बिशर हाफी चला गया। जब घर जाके पता किया तो वाकईतन बिशर हाफी विशाल फरमा चुके थे। सीरत नबवी का ये भी अंदाज है कि जब बंदा रब से जुड़ जाता है रब अपने बंदे के दावे अपनी मखलूक को कर देता है। अब अपनी मखलूक को अपने बंदे के ताबे, ये भी सीरत नबवी का एक पहलू है। जनाब उमर पाक उस्मान शाह फरमा रहे कई सौ मील दूर जंग लगी हुई है, दुश्मन पहाड़ के पीछे से हमला करने लगे हैं, मुसलमानों की तवज्जो कोई नहीं उस साइड पे, अगर हमला कर देते शिकस्त हो जानी थी। जुमे का खुतबा दे रहे हैं जनाब उमर पाक, कई सौ मील दूर के हालात को देखा, देख के फरमाया और सारिया पहाड़ की तरफ हो, सारिया पहाड़ की तरफ हो। लश्कर इस्लाम ने आवाज सुनी, पहाड़ की तरफ पलटे, दुश्मन का ये हर बार नाकाम हुआ, मुसलमान फाते हुए। जब मुबारकबाद देने के लिए वापिस पलटे उनका पैगाम लाने वाला कासिद आया, मदीना मुनव्वरा में आके खुशखबरी थी तो मुसलमान जो इंतजार में थे पूछने लगे वो कोई अजीब वाकया हुआ हो। कहा हाँ, जब जंग जोरों पे थी एक आवाज आई थी, हमें लगा था कि शायद अमीरुल मोमिनीन की आवाज है, उसने हमारी तवज्जो पहाड़ की तरफ दिलाई, अगर हम पहाड़ की तरफ हमना चाहते तो शिकस्त यकीनी थी। सहाबा मदीना में मौजूद थे, सर सजदे में रखा और फरमाया तुम ठीक कहते हो, वो आवाज अमीरुल मोमिनीन ही की थी। और हम हैरान थे कि अमीरुल मोमिनीन इधर खड़े खड़े तुम्हें बात कर रहे हैं, तो पता चला जो रब और रब के रसूल का हो जाए रब फासले समेट देता है, निगाहों को ताकत अता कर देता है। आखिरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरा वक्त पूरा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से ये फैजान है जो चला आ रहा है।
और याद रखिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं दुनिया जितनी तरक्की करती चली जाएगी उतना अहले सुन्नत का अकीदा वाज़े होता चला जाएगा, उतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का ये पहलू हमेशा पेश नजर रखना कि दुनिया जितनी तेजी से तरक्की करती चली जाए उतनी जल्दी तेजी से तेरा मेरा अकीदा दुनिया पे वाज़े होता चला जाए। बस फर्क इतना है, फर्क इतना है, हमने बिन देखे माना है, कुछ देख के भी नहीं मानते, कुछ देख के भी नहीं मानते। अच्छा मुझे बताएं आजकल अंग्रेज ने मशीन बना ली है, वो जमीन में बता देते हैं कि कितने सौ फुट नीचे तेल है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, पानी है।